प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक जिंदा जलाली और कुदूस नाम में आप सबको सलाम, ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक बार फिर से मैं आप सभी का प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं विश्वास करता हूं आज का वर्ड, आज का वचन बहुत 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 महत्वपूर्ण है और बहुत सारी रोशनी वो आपको इस पर दे सकता है। मैं चाहता हूँ इससे पहले कि हम वचन को सुने, मैं उससे पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाइबल कहती है आदि में वचन था, इन द बिगिनिंग वॉज अ वर्ड, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और ये कलाम ही खुदा था। यीशु ने कहा मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को सुन के मेरे पीछे आती है। इवन बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज़्यादा अपने वचन को बड़ा किया है। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ, हमें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है स्टेबल होने में, स्ट्रॉन्ग होने में, मजबूत होने में, वो परमेश्वर का वचन है। और इन दिनों में मैं देख रहा हूँ, जैसे मैं ट्रैवल करता हूँ इंडिया से बाहर, मैं बहुत सारी जगहों पर देखता हूँ कि लोग वर्ड पढ़ने में बड़े लेज़ी हैं। बाइबल सामने पड़ी रहती है लेकिन पढ़ते नहीं है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ जो ऐसा करते हैं। आप जानते हैं सुलेमान एक ऐसा राजा था जिसने जब गुनाह किया तो उसके पास कोई भी नहीं आया उसे बताने के लिए कि तू गलत कर रहा है। शाऊल ने पाप किया, शमूएल आया। दाऊद ने पाप किया, नतान आया। लेकिन जब सुलेमान ने पाप किया कोई नहीं आया। सुलेमान ने हर वो रास्ते, हर वो ब्रिज तोड़ के रखी थी जहाँ से कोई हेल्प आ सकती है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, आपकी ज़िंदगी को स्ट्रॉन्ग बनाने का जो सबसे बेस्ट रिसोर्स है वो बाइबल है। मैं आपको कहना चाहता हूँ इसे पढ़िए, इसे खूब पढ़िए, न समझ में आए तो भी पढ़िए। क्योंकि मैं जानता हूँ वचन तब तक नहीं समझ में आ सकता जब तक खुदा हम पे रिवील न करे, जाहिर न करे। लेकिन अगर मैं पढ़ूंगा ही नहीं तो जाहिर कैसे होगा। इसलिए मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, अधिक से अधिक प्रभु के वचन को पढ़िए। बेसिक टीचिंग जो चैनल पे इस समय आप हैं, मैंने इससे पहले भी कई सारे 100 से भी ज़्यादा वीडियोस डाले हैं उन लोगों के लिए जो सच में प्रभु के वचन से, खुदा के पाक कलाम से, जो वर्ड से प्यार करते हैं, मोहब्बत रखते हैं। इवन जब भी मैं चर्च स्टार्ट करता हूँ, मैं बहुत बार ऐसा बोलता हूँ कि वचन के प्रेमियों का स्वागत है। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्लीज़ जितना हो सके इस कलाम को पढ़ें, जानें और समझने की कोशिश करें। आज मैं आपके सामने जो वर्ड शेयर कर रहा हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। मैं चाहता हूँ आप इसे बड़े ध्यान से सुने। एक वर्ड आपके स्क्रीन पर इस समय आ रहा है, यूहन्ना का 15 अध्याय, जॉन चैप्टर 15 का वर्स 6, छठवां वचन। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और वह सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो, साथ में लिखा है, और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप जानते हैं परमेश्वर मांगने की बात में कर रहा है, पर वो पहले बात कर रहा है बने रहने। बने रहने का मतलब होता है कि आप उस पर डिपेंड हो, आप उस पर निर्भर हो। आप जानते हैं आज से बहुत साल पहले बाइबल बताती है कि एक बहन ने एक नबी की जिंदगी को देखा जिसका नाम एलीशा था। His name was Elisha। और जब उसने एलीशा को देखा तो उसे ऐसा लगा ही इज़ अ गॉडली मैन। और ये सच भी था कि एलीशा खुदा के साथ और पवित्रता में चलने वाला एक व्यक्ति था। और जब उसने उस बहन ने उसकी ज़िंदगी को देखा तो उसने अपने पति को कहा कि क्या मैं, आप अगर अलाउ करें तो क्या हम हमारे घर के ऊपर जो छत है, जो अटारी है, क्या वहाँ पर मैं इस परमेश्वर के दास के लिए क्या मैं उसे डेकोरेट कर सकते हैं, क्या मैं एक पलंग, चेयर, टेबल, लैम्प रखूं ताकि वो जब भी इस तरफ आए तो हम उसे अपने घर के अंदर विश्राम करने के लिए कहें। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करना चाहता हूँ, आप सभी जानते हैं कि ऐसा ही हुआ।
और जब एलिशा ने देखा कि इस बहन ने इतना कुछ हमारे लिए, इतना बड़ा हार्ट दिखाया है, तब एलिशा को ऐसा लगा कि हमें भी खुदा से उसके बारे में कुछ मांगना चाहिए। और एलिशा को पता चला कि इस बहन को बेबी नहीं होता, और फाइनली एलिशा ने उसके लिए प्रार्थना की और प्रभु ने उसको एक सुंदर बच्चे के द्वारा ब्लेस किया। लेकिन आप जानते होंगे कुछ समय के बाद वो बच्चा बीमार होकर मर गया, और जब वो बीमार होकर मर गया, उसकी मदर ने, उस बहन ने उसे लेकर वापस एलिशा के कमरे में उसी जगह पर रख दिया जहाँ एलिशा रहता था। और वो जट से एलिशा से मिलने के लिए, ये मैसेज देने के लिए गई कि वो बच्चा मर चुका है। और जब वो वहाँ पर जा रही थी तो उसे रास्ते पे एलिशा का ही दास गहजी मिल गया। गहजी ने 100% उसको डिस्टर्ब देखा था, लेकिन उससे पूछा गया, क्या सब ठीक है? उसने कहा, यस, एवरीथिंग इज फाइन, ऑल इज वेल। बट जब वो औरत एलिशा के पास पहुँचती है, वो वहाँ पर नहीं कहती है कि सब ठीक है, वहाँ पर वो रोती है। वो डिस्टर्ब जो थी, वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन एलिशा को बताती है कि क्या मैंने आपसे बच्चा मांगा था, आपने क्यों दिया, अब वो मर गया, मैं क्या करूँ। फिर एक सवाल है यहाँ पर, जब उसका बेटा मर गया और जब गहजी ने उससे पूछा कि क्या हुआ, उसने गहजी को कुछ नहीं बताया और उसने एलिशा को बताया, ऐसा क्यों? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, ये एक बुद्धिमान स्त्री है, वो जानती है मुझे किससे बात करनी है। आज बहुत सारे जो लोग हैं जिनकी जिंदगियों में उनके हालात बुरे हैं या खराब हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ लोग क्या कर रहे हैं। लोग आज दो काम कर रहे हैं, एक जो भी उनकी प्रॉब्लम है वो व्हाट्सएप के स्टेटस पे शो कर रहे हैं, मैं बीमार हूँ, मैं गरीब हूँ, हम अकेले हैं, हमारा कोई नहीं होता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इन स्टेटस को डालने के बाद आपको क्या मिलता है? क्या आपको आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जो आपके पोस्ट को पढ़ते हैं, 90% उनमें से कोई प्रेयर नहीं करता। 10% लोग हो सकते हैं जो सच में आपके लिए प्रेयर करें, लेकिन 90% को कोई केयर नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है। उन्हें जैसे खबर मिलती है कि आप प्रॉब्लम में हैं, आपको नहीं लगता कि ये एक इमेच्योर बिहेवियर है कि मेरे साथ जो हो रहा है मैं वो स्टेटस पे शो करूं। कई सारे जो लोग हैं इन दिनों में, वो अपनी प्रॉब्लम को लोगों को शो कर रहे हैं ताकि उनको सहानुभूति मिले, सिंपति मिले, ओ आपके साथ क्या हो गया, मैं बीमार हूँ, कोई बात नहीं, खुदा आपके साथ है। आपको पता है आज ये चीज़ लोगों को बहुत खुश करती है कि मैं आज क्या पहनने वाला हूँ, मैं आज क्या खाने वाला हूँ, आज मैं कहाँ कहाँ गया था। आप देखिए, कुछ लोग अपने स्टेटस पे टोटली नॉनसेंस थिंग्स शेयर करते हैं जिनमें कुछ भी उनके स्पिरिचुअली बेनिफिट नहीं है। मैं ये बिलीव करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें रिसोर्सेज दिए हैं, परमेश्वर ने हमें प्लेटफॉर्म्स दिए हैं ताकि हम लोगों को बता सकें जीसस कौन है, उसका वर्ड क्या है, पवित्र आत्मा क्या है, कैसे हम खुदा में बढ़ सकते हैं। आप सोचिए, अगर आपके मोबाइल में अगर 200 कॉन्टैक्ट्स भी हैं और अगर आप स्टेटस पे डाल रहे हैं कि मैं आज चर्च गया था, ब्लेस्ड होके आया, जरा सोचिए उन 200 लोगों पे कितना अमेजिंग इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन अधिकतर लोग आज अपनी प्रॉब्लम, आज अपना फैशन और आज अपनी शॉर्टकमिंग्स, इवन कभी कभी घर के बहुत ही पर्सनल मैटर्स जाके वहाँ लिख देते हैं। क्या आपको लगता है ये बुद्धिमानी है? मैं एक दिन वचन पढ़ रहा था जहाँ पर लिखा था, यीशु एक आदमी से जो 38 साल से बीमार था उससे पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? मैं प्रभु से कह रहा था, 38 साल से जो बीमार है प्रभु, वो चंगाई के सिवा और क्या चाहेगा? मुझे प्रभु ने कहा, नहीं सूरज, बहुत लोग नहीं ठीक होना चाहते। अगर वो ठीक होना चाहते थे तो मेरे पास आते, लेकिन ये व्हाट्सएप पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें सोल्यूशन नहीं, इन्हें सिंपथी चाहिए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे क्या शो करते हैं? ये कि मैं गरीब हूँ, ये मैं बीमार हूँ, ये मैं अकेला हूँ, ये कि मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे बताइए। आपको नहीं लगता आप परमेश्वर को छोड़ के दुनिया को एंटरटेन कर रहे हो? इस औरत से सीखी, वो गहजी को नहीं बता रही है, उसे पता है किससे बात करनी है, उसे पता है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसके पास है। एक सही बुद्धिमान व्यक्ति जानता है मुझे किससे बात करनी है। इवन आप मार्था के अंदर भी एक खूबसूरत बात देखिए, जब वो अपने काम में थक गई
तो सीधा यीशु के पास जाकर कहती है कि प्रभु, क्या आप देख रहे हो, मेरी बहन मरियम ने मुझे छोड़ दिया है। उसके अंदर भी खूबसूरत बात थी, वो आंद्रियास के पास, पतरस के पास, याकूब और यहुन्ना के पास नहीं गई कि देखो मेरी बहन क्या कर रही है, मैं काम कर रही हूँ और उसने मुझे अकेला छोड़ दिया है। वो सीधा यीशु के पास गई, उसे पता था कंप्लेन किसे देनी है। आज मैं आप में से हर भाई बहन से पूछना चाहता हूँ, आप अपनी प्रॉब्लम गहजी से बता रहे हैं कि उस स्वर्गीय एलिशा जो यीशु मसीह है उसे बता रहे हैं। जैसे ही उस बहन ने वहाँ पर, जैसे ही वो बहन गई और उसने एलिशा को सारी बातें बताई, आप जानते होंगे उसके बाद गहजी गया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब एलिशा गया तो उसने प्रार्थना करके उस बच्चे को मुर्दों में से जिंदा कर दिया। आप मुझे बताइए, आप किसके पास जा रहे हैं? यहां पर यीशु कहता है, मुझ में बने रहो, मुझ पर निर्भर रहो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको अपनी प्रॉब्लम किसी व्यक्ति से नहीं शेयर करनी है, 100%, लेकिन उनसे शेयर करो जो आपकी प्रॉब्लम को दिल में रख के दुआ करें, न कि आपकी प्रॉब्लम किसी और को बताएं और आपके नाम को स्पॉइल करें। आप में से जितने भी लोग मुझे इस समय देख रहे हैं, सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, अगर आप अपनी प्रॉब्लम, अपने हालातों से बाहर आना चाहते हो, प्लीज परमेश्वर के पास जाओ, गो टू गॉड, उसके पास जाइए, उसके पास सॉल्यूशन है। लोगों के पास सॉल्यूशन नहीं है, उनके पास सिंपैथी है। वो सिर्फ आपको कहेंगे यस, हम प्रेयर करेंगे, और कई बार तो वो आपको ऐसी सलाहें देंगे जो सलाहें उनकी ज़िंदगी में भी काम नहीं करती। आपने देखा, शाऊल ने दाऊद को ऐसे कपड़े, अपना पूरा आर्मर पहना दिया। देखो, वो राजा हो के खुद नहीं पहन रहा है, पर उसको पहना रहा है। बहुत सारे सॉल्यूशंस, बहुत सारी सलाहें लोग वो देंगे जो उनकी ज़िंदगी में भी काम नहीं करती है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, डोंट गो टू गहजी, गो टू एलिशा। इस बहन से सीखिए, वो उस व्यक्ति के पास जा रही है जो व्यक्ति उसके लिए प्रार्थना करेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, आप एक डाली है, प्रभु हमारी दाखलता है, हमें अपना सब कुछ उसे बता के उस पर निर्भर रहना है, उसमें बने रहना है, और वही हमारे हालातों को बदलेगा। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको कहना चाहता हूँ, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यीशु मसीह के पास है। उसके पास जाइए, उसे बताइए और उस पर भरोसा करिए, निर्भर रहिए कि वो आपके हालातों में शद्रक मेशक अभेदनगो की तरह उतरेगा और सब कुछ बदल देगा। प्लीज मेरे भाइयों बहनों, इस बहन से लर्न करिए। आज बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी प्रॉब्लम को या तो व्हाट्सएप के स्टेटस पे शो कर रहे हैं या तो सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों को बता रहे हैं। दोनों बातों से बाहर आइए, खुदा के पास जाइए और ऐसे लोगों को अपनी प्रॉब्लम बताइए जो न केवल आपको सुने पर वो आपके लिए प्रार्थना करें। मैं बिलीव करता हूँ हम ऐसे दिनों में रह रहे हैं जब मूसा को दो लोगों की ज़रूरत पड़ी जो उसके हाथों को पकड़े ताकि युद्ध इज़राइल जीत पाए। मुझे लगता है हमें भी ऐसे भाई बहनों की ज़रूरत है जो हमें थकने से बचाएं और हमारे लिए प्रार्थना करें। उम्मीद करता हूँ कि इस छोटे से वचन के द्वारा आपने ब्लेसिंग पाई होगी, बरकत पाई होगी। और एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ, मैंने एक आर्टिकल लिखा है और अगर आपको वो आर्टिकल चाहिए, इस समय आपके सामने एक बहुत बड़े अक्षरों में नंबर है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो आप लिखिए समाधान, और अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो लिखिए सॉल्यूशन। आप इस नंबर पर अपना नाम, आप कहाँ से हैं और ये टॉपिक लिखिए सॉल्यूशन या समाधान, हम आपको अपना आर्टिकल भेज देंगे। और अगर आज के वचन के द्वारा आपने बरकत पाई हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। खुदा आप सबके साथ है, आप सबको जय मसीह की।